Oh my god, when girl is crying, it means she's falling down. मेरा मतलब है कि जब कोई लड़की ट्रबल में फंस जाती है ना, तो मेल हीरो आता है और रेस्क्यू कर देता है उसे. डोंट यू वरी, मैं तुम्हारे आंसू था. क्या कर रही है? मैं भी आता इसका. क्यों आए हो यहाँ पे? गुड क्वेश्चन. यू नो टाइगर इज फीलिंग वेरी मच बोर, तो मैंने सोचा तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ, तुम्हारे को डिजाइन देख लूँ, और अगर टाइगर को कोई डिजाइन पसंद आ गया तो टाइगर हैवी पेमेंट करेगा. नजर आ रही है तुम्हें यहाँ पे डिजाइन? नहीं, लेकिन तुम तो बुटीक में है ना डिजाइन, अगर इतने ही खरीदने तो कल बुटीक चले जाना. अरे बना दो ना यार, वैसे भी तो तुम मास्टर. मतलब ये कि देखो तुम्हारे हाथों में कितना हुनर है, तो सब कुछ बन जाता है मेरी जान. उसे सब कुछ बना कर देती हो और मुझे कुछ नहीं. हाथ छोड़ो मेरा. नहीं छोड़ूंगा, दोनों पकड़ लूंगा. नहीं छोड़ूंगा मैं. छोड़ो मेरा. नहीं टाइगर, कैसे हो तुम? मैं कैसे हुई? ये क्या हो रहा है भाई, क्या तमाशा है? छोड़ उसको, मैं कह रही हूँ छोड़. हाय मेरा बच्चा शौकी चट. मैंने सभी से पूछे जो सोया के साथ जबरदस्ती कर रहा था. और चुप कर जा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसी हरकत करे. तूने ही कुछ किया होगा. बताओ जरा, सारी जिंदगी बुलाए तो मेरा है मेरा बेटा, भूखा नंगा नहीं है. सारी गोरियां ना फिदा थी इस पे, लेकिन मजाल नहीं है मेरे बेटे की कि कभी आंख उठा के देखियो. और शौकी ये तेरे को ड्रामे टोपी हो गए. नहीं मक्खू जी, टाइगर वाकई मेरे कमरे में आया था. उसने और चुप कर, शट अप. जरूर तूने ही बुलाया होगा इसको. बस बस बहुत हो गया आप लोगों का ये ड्रामा. निराड़ी जी मैं बताता हूं आपको, ये सब लोग इस घटिया इंसान के साथ मिले हुए हैं. होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन. दो मिनट में चुप क्या हो गया? तुम सबने मुझे क्या एक्स्ट्रा कैरेक्टर सपोर्टिंग कैरेक्टर समझ रखा है? अच्छा सच में सच की अनबॉक्सिंग हो रही है ना, तो मेरे पास भी एक अनबॉक्सिंग करने के लिए सच है. चोर चोरी पकड़े जाने पे ऐसे ही चिल्लाता है, अब कौन सा नया झूठ लेकर आओगे? बस कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा भाई साहब से. सच बोलने पे यकीन करते हो ना तुम? चलो दो कसम, जो सवाल मैं तुझसे पूछूंगा उस सवालों का सच सच जवाब दोगे? चल पूछ, जो पूछना चाहता है ना आज पूछ ही ले. अच्छा ऐसा क्या? फिर बेटा बता, तेरे बाप का क्या नाम है? अबे ओ टोले मोले भोले, क्या हो गया शौकी? कम इन द शॉक, बोल. शौकी बताओ क्या नाम है तुम्हारे प्यो का? अरे चल तेरा मैं काम आसान कर देता हूँ. इस घर का जो नौकर है शौकी के नाम से जो जाना जाता है, दरअसल ये इस घर के पुराने नौकर अमीन इकबाल और सुरैया का बेटा है. वही नौकर जिसको सालों पहले आप लोगों ने चोरी का इल्जाम डालकर थक्के दे दे के इस घर से बाहर निकाला था, फिर उसी का बेटा इस घर में आके आप ही की बेटी के साथ यू नो आशिकी माशुकी करके पूरी जायदाद हड़पना चाहता है. फुपो मैं तो कहता हूं कि अभी अभी इसे यहां से गेट आउट करते, घर से बाहर आ, दफा कर दे से. शौकी सच बोल रहे? है क्या हो रहा है? चपड़े मान लिया. अच्छा जी दसो मैनू, जानती थी ना सब कुछ? निराड़ी जी एक्चुअली मैं नहीं. बकवास बंद, कुछ भी बात कर रही मैं.
इससे बात की है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो फिर, बस आपने अपनी औकात जो है ना वो दिखानी थी, प्रूफ करनी थी, तुम कर दी है, वेरी गुड, फुल मार्क्स टू यू। हैं, क्या कहा था तुमने? हाँ बोलो इधर, तर देख मैं आप कह दबा कर बोल, आप दिल की बात मुझसे कह सकती, कभी आप छोड़ के नहीं जाऊंगी, रात किसी का ख्याल, पाक मोहब्बत वगैरह वगैरह, शर्म नहीं आती, दो गोली कहीं गई। आपने काम करना है सादियो, अपना पूरिया बिस्तर पैक करके शराफत है यहां से दवा, शराफत वो तो आपके पास है ही नहीं, पूरिया बिस्तरा समेटो और यहां से हो जाओ दफान, और अगर तुम नहीं हुए क्यों, यही होगा जिस तरह जलील करके तुम्हारे मां बाप को मैंने किस तरह से निकाला था उसी तरह तुम्हें निकाल, दफा हो जाओ यहां से और दफा भी हो, निकल यहां से, उसी भी चले जाओ, हैं जी पाक मोहब्बत, हेलो दफा हो जाओ यहां से, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, दबार सोया। खा लो, कब तक भूखे रहने का इरादा है? शकी कहाँ है? कहीं नहीं गया, यहीं पर है वो। नहीं खाना, देखो ये वक्त थक कर ऐसे हार कर बैठने का नहीं है, कुछ करने का वक्त तो है। क्या करूं अलीना, क्या करूं, कोई बताएगा? समझ ही नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिट्टी की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। यार कुछ नहीं फिसल रहा है, बुरा वक्त आता है और आकर चला जाता है, तुम्हें तो इस वक्त जाकर उसको हिम्मत देनी चाहिए। क्या तसल्ली दो बे, जो बचपन से लेके अब तक सिर्फ अपने रिश्तों की खातिर सारी कुर्बानियां देती आई, मुझे मजबूरी अब तो नहीं किया, ना कभी खुल के जिंदगी को जी पाई, ना अपनी कोई ख्वाहिश को पूरा कर सकी, कोशिश करती रही ना, चाहे वो बाबा की मैजिक कार में उस एक रात में पूरी जिंदगी जीना हो, लेकिन अगली ही रात वो ख्वाहिश भी दम तोड़ जाती है, या फिर शौकी से मोहब्बत का इजहार पूरी दुनिया के सामने करना, कुछ भी तो नहीं कर सकी मैं, हिम्मत ही नहीं है, आता ही नहीं है करने, क्योंकि हालात शुरू से सब्र करना सिखाया, उसने लड़ना तो सिखाया ही नहीं ना, लूजर लगता है अपने आप कभी के बाद। अच्छा प्लीज इजी इजी, कुछ आकर अपनी साइड ऑफ द स्टोरी तो सुनाओ, उसके लिए वो ही बहुत होगा। यस, इस वक्त ना फिल्म का वो सीन चल रहा है जब हीरो थोड़ी देर के लिए हार कर गिर जाता है, लेकिन फिर जब वो उठता है ना तो और तगड़ा होके उठता है और फिर सब दुश्मनों की छुट्टी करा देता है। तब तक ना मैं दुश्मन के मोर्चों में देखती हूँ कि वहां के चले। मत करो। खान, कुछ हो गए शौकी, और तुम्हें ये कैच कैच खेलने की पड़ी है, क्या पागल हो? पता है, a few years ago जब भी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था तो ऐसी एक टेनिस बॉल पे अपना सारा गुस्सा उतार देता था,
You used to feel a lot better. तुम कहाँ थी? कम से कम इस वक्त तो मेरे साथ रहो, क्या पता कल फिर दोबारा मुलाकात हो ना हो। इसे क्यों कह रहे हो? इतनी अपसेट थी, इतना स्ट्रॉन्ग करके आई हो खुद को, तुम्हें हौसला दो। हौसला? सोया जी अपना चेहरा देखिए, सबसे ज्यादा हौसले की जरूरत फिलहाल आपको है। मैं फिर भी दुआ करती हूँ कि सुबह का सूरज ना चढ़े और तुम यहां से कभी नहीं जाओ। सोया जी रात कितनी भी जिद्दी हो जाए ना, उसे आखिरकार सूरज को जगह देनी ही पड़ती है। वैसे भी तुम कुछ कहो और मैं ऐसा ना करूं, ये कभी हुआ है क्या? मतलब ये कि कल सूरज की पहली किरण के समय मैं यहां से नहीं जाऊंगा। राधे जी का क्या करोगे? वो तुम देखती जाओ। रोंदे रहंदे ने मेरे नैन, दिल घबरावे, आ जावे आ जा मेरी जान, चली ना जावे। आप गुस्से में लग रहे हैं और आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा। आज रहने देते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। अब अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का विलेन हूँ। मैंने तुम्हें कैद किया यहाँ पे। I love you. He say? You turn? हाँ, मैं। तुम नेल्स काट लिए अपने? तुम्हें तो इनसे इश्क था। अच्छे घर की लड़कियों को शोहर के रंग में ही रंगना पड़ता है। कल की बेइज्जती काफी नहीं थी, बोर करानी है। मैंने क्या कहा था कि मुझे यहाँ पे तुम नजर ना आओ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोई काम नहीं है तुम्हारा, दफा हो जाओ। कमाल है दिलाली जी, पूरी जिंदगी आपने दूसरों पे इतने असूल थोपे हैं, अपनी बारी आई तो सब भूल गए। निकी कह रहे हैं तुम? क्या कहना चाहते हो? आप शायद भूल रही हैं कि जब मैं इस घर में आया था तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप यूं ही अचानक मुझे निकाल नहीं सकते। आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, जब तक ये दिन पूरा नहीं हो जाता मैं अपनी आखिरी तनख्वाह नहीं ले लेता, मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। दिमाग ठीक है तेरा? नारी जी आज के दौर में जब लोग अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं ना, तो दुनिया उन्हें पागल ही कहती है। बर्दाश्त नहीं होता ना दुनिया से। और पता है पुराने वक्तों में भी ऐसा ही होता था। हाकिम लोग जिनकी बादशाहत हुआ करती थी वो अपने गुलामों को इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही धक्के मार के निकाल दिया करते थे। थोड़ा अरसा गुजरा तो बड़े लोग अपने नौकरों को, जैसे आपने मेरे माँ बाप को, और अब आप वही मेरे साथ करना चाह रही हैं। फर्क इतना है कि अब वक्त बदल गया है निर्मल जी, अब ये छोटा आदमी बहुत बड़ा हो चुका है। And today I have all the power, और ये बात आपसे हजम नहीं हो रही है ना? देखिए निर्मल जी, आपने जितने टाइगर चीते इकट्ठे करने कर लीजिए, पर यकीन कीजिए मुझे कोई तस से मस नहीं कर पाए। और अगर लड़ना है तो बताइए कौन सी अदालत, कौन सी कचहरी में जाना है, आपसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। सकुल मिला के
आज का दिन और ये एक मौका, ये तो देना ही पड़ेगा। बस कर दे, बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी ये तकरीर, इलेक्शन की नहीं है। और सुनो मेरी बात, तुम ठीक है एक दिन देती हूँ तुम्हें मैं, तनख्वाह भी ले लेना, लेकिन आज के बाद ना मुझे यहाँ नजर आना, समझो तुम। लीजोया एथे आ। जी निराली जी, क्या की हो रहा है? ये प्लानिंग कहाँ चल रही है? कोई प्लानिंग नहीं चल रही निराली जी। अच्छा अच्छा, यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम मासूम हो और मैं बेवकूफ। अरे इतनी तो हमारी खानदान की नाक लंबी नहीं थी जितनी तूने कटवा दी है। ना चाहती क्या हो तुम? कैसे तुम्हारे सीने को ठंडक पड़ेगी? दसो मैनू घर से जनाजे उठने चाहिए? ऐसे आफरीन है तुझ पे भाई, माशाल्लाह हैं, अवार्ड तुझे ही मिलेगा बेगैरती का, सुतीली होने का हक अदा किया तुमने। निराली जी, शौकी आपको खुद सारा सच बताने वाला था, लेकिन उस टाइगर ने... अरे चुप कर जा, चुप कर जा, कीप योर ट्रैप, मुंह शट। अरे झूठ को ना तुम छुपाने के लिए अब एक तीसरा कैरेक्टर बीच में तुमने कुदवा दिया है। क्या तरीका है तुम्हारा है? ना चक्कर तो तुमने शौकी के साथ चलाया है, पूरा इतना बड़ा गोल है और इल्जाम किसी और पे दे रही, और शौकी, अरे ओ शौकी, उसके माँ बाप जो है ना, माँ बाप उसके वफादार थे, तब भी और आज भी। क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह है, अवार्ड आपको ही जाएगा जी, आप तो माँ बाप से भी मिल चुकी हैं। निराली को तो आपने पीछे छोड़ दिया हैं? ऐसा काटा है आपने? काटना होता ना निराली जी, कब का छोड़ के जा चुकी होती आपको और इस घर को। अगर ये कदम अभी तक रुके हुए हैं तो सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर, लेकिन अफसोस आपको अब भी नजर नहीं आ रहा निराली जी कि कौन आपका सगा है और कौन आपके आस्तीन का सांप। चले माना उसने उसने जो किया शायद गलत किया, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। और आप कैसे भूल सकती हैं शाहरुख ने शौकी बनके इस घर के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, लीना के लिए जो कुछ किया, वो कैसे भूल सकती हैं आप? अरे चुप कर जा, मेरा दिमाग ना खराब कर, हैं? गंद डाल रही है तू मेरे दिमाग में। ओ, मत भूल अपनी औका, मत भूल के तू किसके सामने खड़ी है ना, क्या जानती है तू उसके माँ बाप के बारे में? इतनी साइड ले रही है, इतनी तरफदारियां कर रही है ना, तुझे पता है जोया, इन्हीं दोनों की वजह से ना मेरे लव यू मेरे सेठ साहब ने ना पहली बार मुझ पे हाथ उठाया था। अब उसी का बेटा आया यहाँ पे, और जैसे ही वो बेटे ने एंट्री मारी है मेरे घर में, मेरी कुड़ियां ऐसे मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ना तू याद रखी जोया, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन शौकी और उसके माँ बाप को कभी माफ नहीं करेगी। रानी जी मेरी बात समझ ले। चुप कर तू, चली जाओ यहां से। ओ यार टैगर, मैनू एक गल नहीं समझ आती, ये जरा शौकी है एदी ट्रेन स्टेशन आने तो पहले रुक क्यों जाती है यार? पॉप्स पॉप्स पॉप्स, वो बहुत शातिर आदमी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ना मुझे एक गल समझा दो तुसी, ये ऑफ ऑल द पीपल सुरैया एंड अमीन का सनी मत्थे पड़ना था तेरे? हां ओ मक्को जी, छोड़ दे सारा कुछ, हुन तो ये सोचो के हुन की करना है, ऐ ना होवे हो शौकी वो लास्ट मोमेंट च कोई नवा पैतरा बदल ले, है है भाई? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ओ मेरी अम्मको, तेरे तो आज तक कुछ भी नहीं समझ आया है? ब्रेन ऑफ हो गया मेरा। पॉप्स अब हमें कुछ नहीं करना, जो करना था वो कर दिया, अब आपकी जो बहन है उन पे फिर से जोबन आ चुका है, ऐसी परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं थी जो अब दे रही हैं। अब बताओ जब आग हल्की जल रही हो तो आग जलाने वाले का क्या काम होता है? की होता है फूक मारना।
आहो होजूगा भाई होजूगा हो क्या क्या मुंडा दिता तू भाई मखो एना अकल मस्त पागल का पुत्र होजूगा भाई होजूगा गल ही कोई नहीं अबे यहाँ तुम रिलैक्स खड़े हुए हो उधर तुम्हारे खिलाफ वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियां शुरू हो रही है तू बड़ा ऐसा का एजेंट है जो मेरे हक में जंग लड़ने को तैयार है और बड़ी खबर लेके आया है जासूस कहीं का लेकिन हूं तो मैं तुम्हारी पार्टी का हूं तू मेरी पार्टी का है सारे लोटे दीन ईमान है तेरा है थाली के बैंगन जो मैं तेरी बात मान लू देखो शौकी भैया ठीक है बंटी की पैसा मजबूरी है जरूर लेकिन इस घर में अगर बंटी ने किसी को भाई बनाया ना तो वो सिर्फ तुम और वैसे भी आपके बगैर मैं ये किचन तसव्वुर भी नहीं कर सकता और प्लीज मुझे बता कि मैं ये बात क्यों मान मत मानो मैं सिर्फ खबर दे रहा हूं ताकि आगे तुम्हें डिफेंस का मौका तो मिले ना बात तो सही है चल बता फिर क्या खबर लाया है मारूंगा क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है अरे डराओ वो जो शीदा जी है ना और उनका पूरा टब्बर हाँ तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है तो ये भी तो बताना कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं मैंने कहते हुए सुना है कि आग लग गई है बस फूके देना रहेगी मेरे चाय में थूक चढ़ के मार दूंगा तुझे इसी तरह क्यों नहीं बोलता है बेटा कि क्या हुआ है निराली जी को आपके खिलाफ भड़काने के लिए पंप किया जा रहा है अरे समझ जाए ना समझे समझे समझा मेरा काम था खबर देना चौकन्ना रहना है अन्ना ध्यान से हाँ मेरा मत बताना मैं आया था हाँ हाँ अच्छा सुन हाँ थैंक यू भाई हाँ भाई हाँ नवे हाँ हाँ शाहरुख अभी तुम्हें याद कर रहा था मैं और मैं आपको वो भी बहुत शिद्दत से पता है मैं तुम्हारी ना दो चीजों से पहचान लेता हूं कि तुम्हें कोई मसला हुआ है किन चीजों से एक तो तुम्हारी टोन और दूसरे तो मुझे फोन ही तब करते हो कि जब तुम्हें कोई मसला पड़ता है अरे डैड इस बार तो वो मसला हुआ है ना कि समझे पानी सर से ऊपर चला गया क्या हो गया निराली को सब पता चल गया क्या जब मैं तो उस टाइगर का फंडा फोड़ने के लिए गया था उल्टा उसने मेरा ही फोड़ दिया मगर निराली निकाल दिया उसने मेरे घर से ये तो एक दिन ज्यादा बोनस की जिंदगी जी रहा हूं मैं इस घर में ठीक है बेटा तुम टेंशन नहीं लो तुमने जितनी तगद और करनी थी वो कर ली अब मेरी बारी है और आप क्या करेंगे वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था मैं निराली से खुद आकर मिलूंगा सही कह रहे हैं डैड वैसे भी ना डैड अब बहुत हो गया आके ना फेस टू फेस जो भी वॉर करनी है कर डाली है वैसे भी इश्क आतिशबाजी होता जा रहा है इससे पहले किसकी चिंगारियां इन निराली हाउस को जला के राख कर दें आइए और प्लीज अपने बेटे के लिए मांग लीजिए तो यार तुम टेंशन नहीं लो फोन रखो मैं कुछ करता हूं ओके डैड ओवर एंड आउट ठहर जाओ बेटा ना बाप आ रहा है वो गल कोई ओ भाई की हो गया छोटी मेरी आ सोनी पैना ओ सारा दिन कमरे ही बैठ के गुजारना है तूने ते और की करा उसकी शक्ल देखने से बेहतर है कि मैं इधर ही गुजर बसर कर ओ छोटी तू नहीं समझदी ओ चांदा है शौकी जड़ा ना है कि तुसी कमरे च रवो ते ओ अपना काम करता जावे ते कर रहा ठीक कह रहे हो तुसी सभी चला रहे ने मेरे अपनों ने जितना मुझे डज बल्कि डज डज मारे हैं ना और यार छोटी तू अपने प्राते शक कर दी पई है ओ ते नहीं पता
वो जड़ा है ना शौकी, वो पहले दिन तो प्रोग्राम बना के थे ऐसा गड़पू वास्ते। भाई जानू तुहाडा अपना जाती पर्सनल सन टाइगर उसकी स्कीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ जो गड़पू करने आया था। और मेरी निराजी कसम ले ले मैनू कोई पता नहीं सी उदे प्रोग्राम का। छोटी तन तो पता है वो टाइगर जेड़ा है ना बचपन से ही वो इस तरह दा। तू फिकर ना कर मैं उन्हों ठीक कर देंगा। आहो ओ भाई तू पहले उन्हों संभाल शौकी नू। एक बात कहवा। जी जी फरमाओ। ओ ये जो पिछले सारे दिन आज जेड़ियां वारदातें हुई है ना ये सारा उसे दा कम है। आहो ओदा कम ते हो गया। देखो पूरे कारज में टिक गया ते मेरी भैन निराली नू कमरेज बिल्कुल कमरेज छोड़ता बस बाहर ही ना निकले। गल तुसी सही कह रहे हो। यू आर राइट। उसे फिकर ना करो मैं भी निराली हूँ। उसका आखिरी दिन मैंने इतना भयानक बना देना है। ओ शावा भाई शावा हो जूगा भाई हो जूगा। आहो इतना को भयानक मैंने बना देना है केल से लग पता जाना है। अच्छा आ गई है शीदे दी पहन है भाई गली कोई नहीं हो जूगा भाई हो जूगा हो जूगा भाई। ओ बंटी बंटी जी जी सोने से फुर्सत नहीं है तुझे? वो नौकर तो साहब के थे। और वो शौकी कमरे में है। उससे कहो कि उसने जो नौकरों के हकूक के लिए इतनी आवाज बुलंद की है ना तो हम चाहते हैं कि नौकरों के फराइज भी उस तक पहुंचाए जाएं। हैं समझ रहे हो ना उसको याद दिलाने हैं बकायदा। अच्छा करना ये है उसको बताना है कि अपनी मेगा एग्जिट से पहले ना सारे घर के बर्तन धुल जाए। ठीक है सारे बर्तन वो जो नए वाला है ना डब्बा जिसके अंदर नए दो डब्बे पड़े हैं जिसके अंदर नया सेट है वो सारे निकलवाओ सफाई कराओ उसको धुलवाओ और वापस उसको लगा ले हैं वहीं पर। हाँ वो नए वाले डिनर सेट धो के फिर वापस। ठीक है सारे के सारे। उसके बाद सारा किचन वो पाइप लगा के साफ होगा। ठीक है सारे और वो पीछे वाला जो छोटा किचन है वो भी सारा पाइप लगा के आपने साफ करना है। उसको तुमने ना एंटीसेप्टिक लिक्विड वगैरह वो सारा दे देना। ठीक है अच्छी तरह मुझे कोई इतना सा भी गंद मैं सारे कोने चेक करूंगी। अरे उसके बाद मशीन लगेगी शीदा भाई से कहो कि अपनी 400 धोतियां निकाल के दे दे। ठीक है कुर्ते चुर्ते निकाल के दे दे मक्को को कहो अपने घरारे भी दे दे और सारा वो चादरें घर की बिस्तरों की वो क्या कहते हैं पर्दे वो सब धुलेंगे। ठीक है हाँ ये सब कुछ होगा। ठीक है उसको बहुत शौक है ना तनख्वाह जो है ना उसे लेनी है पहले उसको तनख्वाह आखिरी लेनी है ना तो उसको पहले हलाल करें हराम ना करें हलाल की तनख्वाह लेकर जाए समझा। खबरदार जो किसी ने उसकी मदद करी मार देंगी समझा। ठीक है जाओ अकेले करेगा वो। हाँ आज तो गया वो। शौकी शौकी यार जो है मॉम का हॉरोस्कोप क्या था? स्कॉर्पियो लीना। ओ हाँ पढ़ा था मैंने कहीं कि जो स्कॉर्पियोज होते हैं ना इनके दिल में अगर किसी के लिए कभी नफरत आ जाए ना तो मरकर ही निकलती है। क्यों कुछ हुआ है? यार बेचारे शौकी पर ना मुझे बहुत तरस आ रहा है। क्या हुआ कुछ कहा है उन्होंने शौकी को? तुमने बाहर जाकर नहीं देखा कि क्या हो रहा है? नहीं मैं सुबह से ऑफिस का ही काम कर रही थी। क्या हुआ? वो अपने पूरे घर का काम इतने बड़े बड़े पतीले बर्तन पता नहीं क्या कुछ उससे करवा रही है। मैं जाती हूँ ना कोई जरूरत नहीं है। मैंने चौकी की मदद करने की कोशिश की थी लेकिन मॉम ने साफ साफ कह दिया कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ मिराली जी ऐसा क्यों कर रही है। चाहती हूँ कि चौकी खुद यहाँ से चला जाए। वैसे एक बात कहूँ आई गेस ही शुड लीव। सही कह रही he should leave. I won't let him face this anymore. He doesn't deserve this, Alina. True. कहाँ जा रही हो? रुको मैं भी आई। जोया
Shauki? Are you dad? Yes, sir. मैं ठीक, आप ठीक हैं? बाजी, बाजी निराली, हाय, स्टॉप स्टॉप की हो रहा है, आप क्यों रही हैं? वो कहानी में ना ट्विस्ट आ गया है। क्या ना, केड़ा ट्विस्ट? वो आपके ओल्ड ब्लड थर्स्टी सर्वेंट ना? बात कर, मैं बात कर, मुझे तेरी अंग्रेजी समझ नहीं आती है। आपका पुराना मुलाजिम मीन इकबाल आया है। मैं देख रही हूँ। आप मेरी टेंशन बिल्कुल ना लें। आखिरकार मैं तो आपका खून आपके कदमों में गिर जाऊंगा। लेकिन एक बात आप सोच लें, अगर आपने जोया को उन नौकरों के हवाले कर दिया ना, खुद आपको जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ जाएगी। नो, नेवर नेवर। और अगर जोया आपने टाइगर को दे दी तो इस घर की महारानी बना के रखूंगा। और देखें, प्रॉपर्टी आने जाने की चीज है, टेंशन मत ले। एक दफा इज्जत चली गई ना, ब्रांडेड कपड़े भी पहनने, फिर नहीं आनी, लोग थू थू करते रहेंगे। आ जाओ फिर, गो। अरे आइए ना। अरे रुक जाओ रुक जाओ, किथे आ रहे हो? अंदर आने की इजाजत किसने दी है? हां निराली जी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, गुस्सा है मेरे साथ, प्लीज मेरे डैड से ऐसे बात मत कीजिए। व्हाई? क्यों? कोई कर्जा देना है मैंने इनका, अमीन मुलाजिम का? निराली जी, बहुत सी बातें आराम से बैठ कर भी की जा सकती है। बैठ कर क्यों बात करते हैं? और कौन से मसले हैं हमारे दरमियान जो हल होने वाले हैं? भाई हमारे दरमियान में ऐसा कोई मसला नहीं है, समझे हो? कुड़िये, दोनों कुड़ियां चलो यहां से, चलो अंदर चलो। लेकिन निराली जी। लेकिन क्या, मेरी लाश पे से गुजर के ना तुम इन लोगों के साथ जाओगी तो फिर सोच लो। चलो दफा हो जाओ अंदर, चलो। वाह भाई, मेरी दहलीज पर खड़े होकर मेरे घर में घुस के मुझे ताने दिए जा रहे हैं, और तुमने ये जो तमाम अपना स्टेटस बनाया ना, पैसे बनाए हैं सारे तुमने हराम के पैसों से बनाए हैं, तो मैं तो समझी थी तुमने ये हराम का पैसा कमा के तो किस्मत ही बदल ली है, लेकिन नौकर दा पुत्र नौकर ही रहा। हाय, मैं तो कहनी हूँ तुसी औकात च रहो, अपने टाइमिंग च रहो, जितों दी खोती उत्थे आन खलोती। निराली जी, आप अपने मिजाज के हिसाब से बात कर रही हैं। आपने हमेशा हमें जलील किया, लेकिन मैं अपने मिजाज के हिसाब से बात करूंगा। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, वही इज्जत आज मैं अपनी हथेली पे रखकर अपने बेटे शाहरुख का रिश्ता मांगने आया हूँ जोया के लिए। वाह भाई वाह, बड़े इज्जत के दावेदार बने फिरते। इज्जत होती तो इस तरह छुप छुपा कर हमारे घर के अंदर क्यों आते कंधा टाप के? हैं? दसो मैनू, हैसियत बदल गई, पैसा आ गया, बड़े बड़े घर बना लिए हैं, लेकिन औकात तो तुम्हारी वही है ना हैं? अगर आना था तो जरा इज्जत के साथ, टेंशन के साथ आते, सबके सामने आते, ऐसे छुप छुप के ना आते। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया हैं जी। तुम लोगों की पहली भी हरकत है ना ये गंद डालने वाली थी, वो नहीं अभी तक चेंज हुई और ना हो सकती है, क्योंकि फितरत चेंज नहीं होती। बस निराली जी, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। अरे जरा होश में आइए, देखिए अपने इर्द गिर्द, अब ना वो दौर रहा ना वो वक्त, अब वो दौर नहीं रहा। और किस बात की इतनी अनाया आपने, किस बात का इतना गुरूर है? नौकर का बेटा, नौकर नौकर नौकर। अरे कभी नौकरों से प्यार करके देखिए, उनका ख्याल रख के देखिए, उनका पेट भर के देखिए, उनके बच्चों को पढ़ा के देखिए, फिर अपना घर खुला भी छोड़ के जाएंगी ना तो एक सुई भी यहां से वहां नहीं हूं। जब आपने मेरे पेरेंट्स को अपने घर से धक्के देके निकाला था तब वो मेरी फीस तक अदा करने के काबिल नहीं थे। खुदा ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है निराली जी, उसी इज्जत की खातिर अपने से नीचे वाले लोगों को भी जरा इज्जत दिया करें, क्योंकि आप उन्हें खरीदती नहीं है, वो आपके लिए काम करते हैं। मेरा ख्याल है बेहतर यही है तुम लोगों के लिए ना, ये लेक्चर कहीं और जाके दो, मुझे मत दो, और निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहती, दफा हो जाओ। क्यों, क्या हुआ? अब लाजवाब हो गई तो नजरें नहीं मिला पा रही। चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, ये आपका घर, इस घर की हर चीज मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि मैं खरीद सकता हूँ, इतनी ताकत और इतना रुपया है मेरे पास,
फरियाद किया ना, आपका गुरूर, ये सब पैसे की ही मार है ना। तो चलिए मैं सब खरीद लेता, फिर तो करेंगी ना जोया की शादी मुझसे, या तब भी कोई तकलीफ है आपको? बोलिए, अब तो नौकर नहीं रहा ना मैं, अब कोई जवाब क्यों नहीं है आपके पास? मैंने तुमसे कहा है ना कि अपने अब्बा को लो और इसी वक्त मेरे घर से दफा दो। निलाली जी दबाओ जो। अरे छोड़ दीजिए अकड़ निलाली जी, अब तो जिस जमीन पे आप खड़ी हैं वो जमीन भी आपकी नहीं रही। निलाली जी एक मर्तबा आप अपनी बेटी से पूछेंगे नहीं कि आखिर वो यहाँ रहना भी चाहती है कि नहीं? तुम ना फिकर करो, आओ बेटा। डैड। अमीन अंकल, सॉरी अमीन अंकल। अरे नहीं बेटा, तुम किस चीज की माफी मांग रही हो? मेरी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। पहले शोकेस घर में जलील होता रहा और अब आपको इतनी बातें सुननी पड़ी, तनी सब कुछ कैसे ठीक होगा? सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो बेटा, हम सब जो जो कर सकते थे हमने किया, अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। जा रहे हो तुसी ना जाओ, मेरा मतलब है शौकी भैया आप वाकई जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूं, वैसे भी यहां रहने का कोई जवाब बाकी है नहीं, सो क्या फायदा रहने का। अच्छा आप शौकी भैया मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? ये पगले तू कोई भूलने की चीज है क्या? चाह के भी भूल नहीं पाऊंगा तुझे। काम बहुत है घर के, चलो भाई यहाँ क्या खड़े हुए हो, जाओ अपना अपना काम करो, जहां जहां कहा है चलो। शाबाश, मैं भी जा रहा हूं। नाराज हो मुझसे? भाई मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? कल चांद की चौथ हुई, पूरा चांद रोशन, समंदर की लहरें पे ऊंची, सब पिछड़े साथी अपनी अपनी जगहों से उस चांद को देखे एक दूसरे को याद करेंगे। मुझे क्या पता था कि हम दोनों भी उनमें से एक हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जोया। मतलब यह कि मैंने इतनी तक यहां पर आकर तुम्हें तुम्हें खोने के लिए नहीं पाने के लिए की थी। वो अलग बात है,
आपके रब ने इस कहानी का आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ में दिया है। तो इस कहानी का क्या अंजाम होगा ये भी तुम ही तय करोगी। मैं कल यहां से अकेले नहीं जाऊंगा, तुम साथ जाओगी मेरे। जानता हूं तुम अपनी मां और मेरी मोहब्बत में पटी हुई हो, पर कल सुबह तुम्हें फैसला लेना होगा। या तो मैं या मैं नहीं। ये राउंड तो शौकी ने विन कर लिया है। वाकई यार टैगर, शौकी ने तो कमाल ही कर दिया, सारियां नु चुप कराता यार, बोलती बंद कराती यार। वाह भाई वाह, शाबा भाई शाबा। ओ तो आपने उसके डायलॉग नहीं चेक किए? फवाद खान ने भी ना ऐसे हैवी डायलॉग नहीं बोले होंगे जैसे उसने आज बोल दिए हमें। अब गल सुन बे टैगर, तेरा मुंह क्यों लमकया है भाई, है की होया? पॉप्स, यहां मेरी जान को आई थी और आप शौकी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। ओ ना मेरा पुत्र ना, वो तो सिर्फ फवाद खान की तरह डायलॉग बोलता है, उसकी तरह दिखता तो तू है ना मेरा बच्चा। अबे यार ये कैसे माँ बाप मिल गए, ऐसा लगता है कि पुराने दौर से डायनासोर आकर धरती पे उतर गए। यार चुप हो जाओ, मुझे आगे के बारे में सोचने दे, जब देखो टाटा टाटा टर्म करते रहते। मेरे शहजादे किस बारे सोचने पै गए? पॉप्स, वो जो आपका जानू नौकर है ना, वो पता है आपको निराली जी को कैसी धमकियां दे रहा था? कल सुबह घर छोड़ के जा रहा है और वो चुकंदर का बच्चा मेरी महबूबा जोया को भी साथ लेकर जा रहा है। पॉप्स, आ मेरी गल सुन टैगर, परेशान क्यों होता है? उन्हें तेनू धमकी लाई है ना, तू उत्ते बड़ी धमकी ला दे उदे ते। आहो मतलब? मतलब ये कि धमकी के उत्ते धमकी जड़ी आंदी है ना, फिर आदमी वैसे फारग हो जाता है। तू फिकर ना कर, बाकी असी तक ले आएंगे, हो जाऊंगा भाई, हो जाऊंगा। पुलसा है अभी चलके देखता हूँ उसको, ऐसी की तैसीस की। ओ माँ पियो नु मारन लगा यार, ये पुत्र जमया है कि पागल जमया है? सिर्फ मेरा ही नहीं है, तोड़ा भी आएगा। Pupus, Pupus, what happened to you? Why are you so low? आप जैसी जो खातून होती है ना, थंडरस्टॉर्म होती है, थंडरस्टॉर्म, टेंशन लेने का नहीं। अरे बड़ा बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने मुझे याद करा दिया कि मैं कौन हूँ। और फ्रॉडियर, टाइगर फ्रॉडियर दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त है ना टाइम, ये वक्त जो है ना बड़ा रंजीदा और संजीदा है, समझा है? तू मैनू ये दस, तू नई की फसूड़ी पान आया है, कम दस। अरे फुफोस काम की ही बात है, लगता है मुझे शौकी ने डरा दिया है आपको। टेंशन मत लें, मैं आ गया हूँ ना आपका डर खत्म करने के लिए। फुफोस वो कहते हैं ना, छोटे जिन के सामने जब बड़े जिन आ जाए ना, तो इंसान टेक्निकली छोटे जिनों से डरना खत्म कर देता है। मैं आ गया हूँ बड़ा जिन। पहलिया ना बुजवा, सीधी सीधी बात कर, टाइम नहीं मेरे को। तो फिर कान खोल के सुन लो पुपोस, पुपोस बहुत हो गया, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, अब आता हूं मैं डायरेक्ट मुद्दे पर। पुपोस मैं चाहूं ना इस नौकर के साथ साथ तुम सब लोगों को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। चौकस हो गई ना, देखा जो होना था वो हो गया। लेकिन उसने बिल्कुल ठीक कहा, क्या आपका शान, क्या आपका मान, सब कुछ डाउन डाउन होकर रह गया। वो रोब, वो दबदबा, वो कल के नौकर निराले जी को चूना लगाकर महफिल से शार्ट हो गए। वाह, आखिर तू भी सांप ही निकला। माफ नहीं करना मैं, ते छड़ना भी नहीं है, ये याद रखी। अच्छा तो एक काम कर, तू पहले अपने खून के साथ लड़ ले जिसने कुछ नहीं किया।
एक बात बताऊं आपको, वो जो आपके घर के कागज थे ना, वो मैंने अपने नाम करा दिए। जिस दिन मैंने ये घर बेच के यहाँ से 1-2-4 हो गया ना, जलील आप ही को होना है, सब लोग आप ही को कहेंगे। या अगर आप चाहती हैं कि हवेली बच जाए तो मैं पुरानी डील फिर से एक्टिवेट कर देता हूँ आपके लिए। अरे जाए निराली जी, मैं आपको लफ्ज देता हूँ, ये हवेली आपकी और जोया मेरी। सो आखिरी चांस है आपके पास, योर टाइम बिगिंस नाउ। निराली जी, बुलाया था आपने? हाँ, बात करनी थी तुमसे, है ना? कुछ बहुत ही बेचैनी सी हो रही है मुझे। क्या हो गया आपको? आप क्यों इस सब के बारे में सोच के अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? अरे कैसे ना करूं, इसलिए बात कर रही हूँ कि ये सियापा ही मुक जाए। सुनो जोया, गल ये है कि वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। जब आपकी तबीयत खराब हो ना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे मौत आपके इर्द गिर्द है, आप फड़कने वाले हैं। तो फिर ना किसी चीज की कोई अहमियत नहीं रहती, कोई मानी ही नहीं रहता है। मैं ये मानती हूँ कि मुझसे कुछ गड़बड़े हुई हैं, मैंने ये घर तुमसे हत्याया है। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं मुझसे, ऐसी बात नहीं है, मैं एडमिट करती हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। मेरी नीयत यही थी कि सारे जो है ना, एक कुछ हद ते थले रहन, कठे रहन। मैनू दस सच सच, तू की चाहनी है? तू चाहनी है कि तू शौकी दे नाल शादी करके चली जाए? सच बता मैनू। देख, मैं मानती हूं पूरी जिंदगी तेरे साथ जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। शायद बात भी ये ठीक है कि तू हमसे दूर जाना चाहती है, ये भी ठीक है। हाँ, जैसा सलूक तेरे साथ हुआ है, तू यहाँ क्यों रहना चाहेगी? तो चाहेगी तो जॉगर पहने और यहाँ से भाग जाए, ठीक है? जो या तू देख ले, तू जो चाहती है ना वो कर, ये तेरी जिंदगी है, ये फैसला करना भी तेरा हक है। तू शादी करके यहाँ से जाना चाहती है तो तू चली जा, लेकिन मेरे दिल पे बड़ा बोझ है, एक 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 सच है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। कैसा सच? वो ना टाइगर ने जब ये घर मुझसे हत्याया था ना, तो उसने ना ये सब कुछ वापस करने के लिए ना मुझसे एक डील का कहा था। क्या डील? वो फ्रॉड ये टाइगर ने मैंने किया सी कि ये हवेली, ये घर, जो कुछ भी उसने अपने नाम किया है ना, वो वापस मेरे नाम कर देगा अगर मैं तेरी शादी उससे कर दूं। सोचा तो मैंने यही कि ठीक है, मेरा की जानता है, मेरा घर, मेरा ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा। मेरी इमोशनल अटैचमेंट है इस घर से, सारी जिंदगी इधर गुजारी है, सेठ साहब की तस्वीरें और चीजें यहाँ पे। हे, सोचा तो मैंने यही कि चल कर देनी है, की फर्क पड़ता है। फिर उसने मुझे जब आज दोबारा कहा ना, अल्टीमेटम दिया, मैनू चढ़ गया गुस्सा। मैं क्या है, फ्रॉडिया टाइगर किस तरीके से बात कर रहा है निराली से, समझता क्या है, हैं? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, फ्रॉडिया कहीं का, सारी उम्र मेरे टुकड़ों पे पलाई है, हैं? और अब मुझे घूर घूर के देख रहा है, मुझे डीलें दे रहा है। मैनू तो गुस्सा आ गया, मैं कहना ऐसा नहीं हो सकता। देख, मैं अब तुझे कुर्बान नहीं करूंगी अपनी किसी ख्वाहिश पे। तू जा, अब तू अपना फैसला कर, तू जा जो अपनी जिंदगी के साथ करना चाहती है, तू शौकी के साथ शादी करना चाहती है, कर ले। मैं मुलाजिम अमीन के घर का भी कदम तो नहीं रखूंगी, लेकिन भाई मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, हैं? खुश रहो, जहाँ रहो, मैं अलीना के साथ जो हमारे नसीब में होगा वो भुगत लूंगी, देख लेंगे क्या होता है। जहाँ मेरी पाए तेरे साथ चलूंगा। रानी जी, सोया रात भर सोई नहीं हो क्या? तुम हमेशा मुझे कहती थी ना
कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, डेफिनेटली, चाहे मेरे लिए कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अपने लिए तो आवाज खुद ही उठानी चाहिए। तुमने, अमीन अंकल ने, शौकी ने, सुरैया आंटी ने मेरा इतना साथ दिया, लेकिन अलीना अब मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अलीना, ये टाइगर, टाइगर हमें कब से बेवकूफ बनाए जा रहा है? पहले तो धोखे से इस घर को हासिल कर लिया, हमारी अरसे की जमा पूंजी हमसे छीन ली, और निराली जी, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने, और इतनी टिटाई और शर्मी से हमारे आगे डील रख रहा है। डील? कैसी डील? जी हाँ, वो इस घर के बदले मुझसे शादी करना चाहता है। सोया, मैं क्या हूँ? मतलब मैं कौन हूँ? कोई सड़क पे पड़ी हुई हकीर हूँ कि जिसने अपनी पसंद का इजहार किया और मैं उठ के चल पड़ी उसके पास? इसको तो मैं बताऊंगी अब। क्या करोगे तुम सोया? करूंगी तो कुछ ऐसा कि सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारा इंतजार करना था सोया। सोया, तुम्हें अब मजीद ये जबर जुल्म बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। प्लीज चलो मेरे साथ। तुम्हें प्यार करने वाले, तुम्हारी कदर करने वाले लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ। मैं नहीं जा सकती। तुम जाओ। मजाक कर रही हूँ। ने कहा था ना, इज्जत और वफा में से किसी एक चीज को चुनना है। मैं तो कोई नहीं चुन सकी। थक गई हूँ शौकी। से नहीं हो रहा कोई फैसला, कुछ भी। मैं इस चक्की में और नहीं पिस सकती। सोया, तुम इस चक्की में नहीं पिसो, इसलिए तो कह रहा हूँ कि चलो मेरे साथ। नहीं जा सकती। मैं मजीद अपनी जंगे तुम पे मसलत नहीं कर सकती शौकी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। तुम गलत फैसला ले रही हो सोया। सोया, मैं मौसम नहीं हूं जो बार बार लौट के आ जाएगा। अब जाऊंगा ना तो नहीं आऊंगा मैं। मैं नौकर बन के, ना मालिक बन के, ना ही आशिक बन के। Chicago.